सावन के पावन महीने में भगवान भोले की भक्ति में विश्व हिंदू परिषद के 5000 कार्यकर्ताओं ने भिरुंदा तहसील नीलकंठ से जल भरकर करीबन 90 किलोमीटर पैदल यात्रा कर सीहोर पहुंचे, जहां मानकेश्वर महादेव को जल अर्पित कर अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे। कांवड़ यात्रा में करीब 6 डीजे ढोल धमाके सहित भगवा चोला धारण किए विश्व हिंदू परिषद के 5000 कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा का पथ संचलन किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के सुनील कुमार शर्मा अधिवक्ता सह प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद ने कहा, अब देश का हिंदू जाग चुका है, अगर किसी भी प्रकार के खटमल मक्षर भिन्न भिन्न आने का प्रयास करेंगे तो उनकी वह गति होगी, वह कल्पना भी नहीं करेंगे। या भोले के भक्त हैं, मां नर्मदा की गोद से जल भर कर शिव पर चढ़ाने जा रहे हैं। कितने आने की कामवालियाँ हैं, ये कहाँ जाएंगी, थोड़ी जानकारी देंगे क्या? हजारों की संख्या में ये वीर बजरंगी दिख रहा है, इससे ये आपको मालूम होना चाहिए कि देश का हिंदू वीर जाग चुका है। और आप किसी भी प्रकार के खटमल मच्छर अगर भुनभुनाने का प्रयास करेंगे तो उनकी बहुत ऐसा होगी जो आज तक कल्पना में नहीं होगी। ये भोले के भक्त हैं, माँ नर्मदा की गोद से नीलकंठ से प्रस्थान करके बाबा मनकामेश्वर मंदिर पर जल का अभिषेक होगा। 90 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा है, सोमवार के रोज बाबा का अभिषेक होगा। हजारों वीर बजरंगी भगवा में पूरा भेरुंदा करते हुए कुर्सियों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कितने व्यक्ति होंगे लगभग? लगभग 5000 कार्यकर्ता यहाँ पर पूरे सीहोर जिले के आए हुए हैं वीर बजरंगी। जय जय श्री राम।